तो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब, आई होप कि सारे बढ़िया हो गए। तो आज हम जा रहे हैं, मतलब कि रैंडम ही टहलने जा रहे हैं और अप्रैल मॉल जा रहे हैं। वहाँ से मेरे को जो है मतलब कुछ चीज़ें लेनी है, तो इसलिए जा रहा हूँ। ब्लॉग थोड़े इसलिए लेट हो रहे थे क्योंकि बाहर मतलब जा रहे नहीं ज़्यादा और स्टेडियम मतलब पढ़ाई वगैरह में बिजी है ज़्यादातर, तो इसलिए थोड़े मतलब अपने ब्लॉग लेट आ रहे थे, उसके लिए मैं सॉरी। बट अभी थोड़े दिन ऐसे ही चलेगा क्योंकि हमें नेटवर्क भी इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए थोड़े ब्लॉग वगैरह लेट आते हैं। फिलहाल आज के ब्लॉग में बना रहे हो, आज मैं दिखाता हूँ दोबारा मतलब बीच में कैसा मौसम है। मतलब काफ़ी अच्छा आज का जो वेदर है यहाँ पे हो रखा है, तो वही मैं आज सब इसमें दिखाने वाला हूँ ब्लॉग में। तो चलो चलते हैं हम, और आगे मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आती है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं इस रास्ते से, तो फिर मिलते हैं आगे। ये यहाँ पर एक मतलब रेस्टोरेंट है जिसमें मतलब नॉन वेज भी मिलता है तो वेज भी मिलता है। आगे इधर रेविट नाम से है और एक इसके जस्ट पास में ही है, ये आज क्लोज है। और इसके बाद में इसमें आके भी तुम नॉन वेज वगैरह जो भी खाना है वो इसमें खा सकते हो यहाँ पर रेस्टोरेंट पर, और यहाँ पे भी मतलब बैठ सकते हो। और काफ़ी अच्छा आज का मौसम हो रखा है यहाँ पर, जैसा कि तुम देख रहे हो अभी हरियाली नहीं आई लेकिन थोड़े दिन में आ जाएगी, बारिश जैसा मौसम सा हो रखा है। बाकी हमें काम है तो हम जा रहे हैं, इसलिए आज अप्रैल मॉल मतलब कुछ लेके आना है, जो मैंने पहले ही ब्लॉग में दिखा दी थी कि अप्रैल मॉल मतलब कैसी है यहाँ की। तो अभी उधर ही जा रहे हैं और आज पैदल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से आइस वगैरह हट चुकी है और जो भी पानी वगैरह था वो सब साफ़ हो चुका है। और बाकी आजकल क्या क्लास वगैरह हम बिजी रहते हैं, ज़्यादा निकलना होता नहीं है, तो आज छुट्टी है मतलब क्लास से फ्री होके आज सोचा कि भाई आज चलते हैं घूम आते हैं। बाकी देखो यहाँ पे ये मौसम काफ़ी मतलब अच्छा वेदर हो रखा है, कुछ दिनों में इन पर हरियाली भी आ जाएगी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा बट जल्दी आ जाएगी। तो अभी आगे चलते हैं और मैं जो भी अच्छी अच्छी ये है यहाँ पे रोड क्रॉस के लिए अंडर पास बना हुआ है, तो ये जो मतलब अप्रैल साइड जाते हैं तो पैदल आते हैं ना, तो इसमें से रोड क्रॉस करनी नीचे जाके हम देखो अभी चलते हैं। और मैं इधर थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग में पास बना हुआ है यहाँ पे, और ये हम आ गए अंडर पास में, ऊपर रोड जा रही है इधर। और अगर तुम्हें इधर की साइड जाना है तब तो इधर होके जा सकते हो, तो इधर निकल जाओगे। बाकी अगर इधर जाना है तो सीधा जाओ, इधर निकल जाओगे, लेकिन हमें भी इधर ही जाना है तो वो दिखाने के लिए मैं उधर गया था, तो हमें भी इधर जाना है तो फिर इधर होके चलते हैं। अब इधर भी दो रास्ते हैं, एक तो इधर की साइड निकल जाओगे और एक इधर की साइड निकल जाओगे, वो भी मैं आगे जाके दिखाता हूँ तुम्हें। बाकी देखो पूरी टनल बनी हुई है और काफ़ी ठंडक है इधर, ऊपर तो हालांकि थोड़ी गर्मी हो रखी है बट इधर ठंडक है थोड़ी। देखो एक निकलने का रास्ता ये रहा, हम उधर से आए हैं और एक इधर है। अब हमको इधर जाना है क्योंकि अप्रैल जाना है, रोड क्रॉस हमारी हो चुकी है इसके नीचे, तो अभी अभी बाहर निकलने का आ गया, ये देखो ठीक है, इसमें होके बाहर आ सकते हैं। अभी हम उधर की साइड थे, इसमें नीचे होके इधर होके निकल के इधर साइड आ गया दूसरी तरफ, और ये जाएगा अप्रैल। इधर टेक्नोडोम भी आता है तो ये सिग्नल सिग्नल हो रहा है। चलो चलते हैं आगे और भी दिखाता हूँ मैं, इधर बनू है सब जगह से आइस हट चुकी है। और बाकी ये भी कोई मॉल वगैरह है इधर के, जो भी नाम मुझे नहीं पता अभी, मैं ये भी कोई मॉल ही होगा वैसे। और ये रोड है लगा हुआ इधर, ये गाइस जी आ गया रेलवे ट्रैक। अब इंडिया में तो जो बहुत बड़े बड़े फाटक होते हैं बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्रॉस करने के लिए, सिर्फ लाइट वगैरह चलता है बट आगे समझदार तो देखो कुछ भी नहीं है। और ये रेलवे ट्रैक है, इसको क्रॉस करके जाना पड़ता है इधर, तो इधर मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है इंडिया में, जैसे फाटक वगैरह लगे रहते हैं पटरियों पर क्रॉस करने के लिए, यहाँ पर वैसे लाइट रखी लगी हुई है, इससे सब सिग्नल देखो और क्रॉस कर सकते हो। ये नीचे जाने की दिया है, बाकी इधर ये रोड है और ये बिल्डिंग है। अब आगे चलते हैं, और कुछ आएगा तो मैं इसमें दिखा दूँगा। हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं रोड से, यहाँ से वापस थोड़ा ऊपर चढ़ाइए। यहाँ पे स्मार्ट सिनेमा बन रहा है, वैसे तो यहाँ पे है कुछ भी नहीं है, गांव है, और ये कुछ ही दिनों में मतलब ओपन हो जाएगा। अभी कार्य इसका प्रगति पे है, मतलब अभी कार्य चल रहा है इसका। और इधर ये मतलब आगे जाके दिखाता हूँ ये क्या है, बाकी ये बन जाएगा। अब इधर वो ये क्या पता हिंदी मूवी लगे या नहीं लगे, लेकिन रशियन कजाक वगैरह ज़रूर लगेगी जो भी इंग्लिश वगैरह है। और यहाँ का कुछ ये बस स्टॉप है, यहाँ पर बस के लिए रुक सकते हो। बाकी इधर टेक्नोडोम है और ये है काकदेला, मतलब कि इधर साइड वो टेक्नोडोम बता दिया था लोगों में। और ये यहाँ पे काकदेला बना हुआ है, मतलब क्लब है,
इसमें जाके पार्टी वगैरह कर सकते हो। काफ़ी मतलब पूरा शीशे का है, मतलब कांच का ही बना। और तो ये है काकदेला, इसका नाम है। इसमें जाओ अंदर, मतलब काफ़ी अच्छा ही है। यहाँ पर फोटो वगैरह खींच रही है। ये देखो इसमें और रहा जो टेकनडोम मैंने अप्रैल वाले मॉल में दिखाया था, और ये है कि होटल, और ये आ गया अप्रैल मॉल। अब इसमें कोई चीज़ ख़रीदने के लिए आए हुए हैं, तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉगिंग किए भी, मतलब ब्लॉग डाले हुए, तो मैंने आज बना ही लेता हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं अप्रैल, और टैक्सी वगैरह से काफ़ी महंगा पड़ता है, देखो ऐसे चलती है यहाँ पर गाड़ी वगैरह। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं पैदल यात्रा करके यहाँ पर। और ये भी काफ़ी बड़ी मॉल है, मतलब देख सकते हो तुम वहाँ से। और ये देखो वहाँ तक है, मतलब कहीं भी एंड नहीं है इसका। हाँ जी गाइस, फाइनली अपनी शॉपिंग हो चुकी है, जो अपन को अप्रैल मॉल से लेना था। मतलब कि मेरी जो चप्पलें थी वो टूट चुकी थी, तो मतलब इसलिए अपन को चप्पल लेने जाना था उधर। और मैंने इसमें जो जो चीज़ें दिखा दी है, बस यहाँ का वेदर के बारे में मैंने दिखा दिया कि भाई कैसा वेदर हो रहा है। वापस हॉस्टल जा रहे हैं, पैदल आए थे पैदल जा रहे हैं। अभी आज जो कोट इसमें पहन रखा ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर अब सही होता जा रहा है, मतलब हरियाली आने वाली है। तो बाकी आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलता है किसी ने और ब्लॉग में, और मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी डालें, बट अभी क्या है थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए ब्लॉग वगैरह लेट हो रहे हैं। बाकी मिलते हैं किसी ने और ब्लॉग में। टेक केयर, बाय।